बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुख्तलिफ बीमारियों के लिए कमाल के घरेलू टोटके। कलौंजी का तेल जोश देकर नीम गरम सर पर लगाने से नज़ला, ज़ुकाम और सर दर्द दूर हो जाता है। कलौंजी खाने से बदन की खुश्की दूर हो जाती है। कलौंजी का तेल तिल पर लगाने से तिल ख़त्म हो जाते हैं। पानी में पिसी हुई कलौंजी मिलाकर गरारे करने से दांत का दर्द दूर हो जाता है। कलौंजी को सिरके में मिलाकर खाने से बलगमी वर्म रफा हो जाता है। कलौंजी की धुनी देने से मच्छर और खटमल वगैरह मर जाते हैं। कलौंजी को सिरके में मिलाकर बर्स या फलबरी पर लगाने से बर्स, जो सफ़ेद सफ़ेद दाग जिस्म पर हो जाते हैं, वो दूर हो जाता है। कलौंजी की एक चुटकी 8-10 कतरे खालिस शहद के साथ मिलाकर शहादत की उंगली से हर रोज़ सुबह के वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर चाटने से बहुत सी बीमारियां दूर हो जाती हैं, जिनमें एक कोलेस्ट्रॉल भी है। कलौंजी का तेल खारिश वाली जगह पर लगाने से खारिश दूर हो जाती है। कलौंजी और आधा हिस्सा काला नमक मिलाकर खाने से पेट का दर्द ठीक हो जाता है। कलौंजी का तेल और तिल का तेल मिलाकर कान में डालने से कान का दर्द दूर हो जाता है। मूसली सफ़ेद, मूसली स्याह, कलौंजी, सूंठ सबको बराबर पीस कर सालन में डाला जाए तो ये आसाबी दर्द के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। रोगन खशखाश दो हिस्से में रोगन कलौंजी एक हिस्सा मिलाकर कनपट्टी पर मालिश करने से बेख्वाबी में कमी होती है। 6 कतरे कलौंजी का तेल रात को दूध के साथ इस्तेमाल करने से सांस की नाली का बलगम साफ हो जाता है। और हिचकी रोकने का तरीका, आधा गिलास पानी में एक लीमू मिलाकर पीना हिचकी में मुफीद है। एक आध मिनट तक सांस रोक लेने से भी हिचकी रुक जाती है। एक ही सांस में ठंडे पानी का गिलास पी लेने से भी हिचकी रुक जाती है। अगर बहुत ज़्यादा हिचकी हो रही हो तो एक कप चाय में अदरक का टुकड़ा डालकर पी लें, हिचकी फौरन बंद हो जाएगी। वीडियो को ज़रूर लाइक करें।